गोली नहीं चलाने का यह सवाल पैदा होता, क्यों नहीं इन तीनों आतंकवादी को मौके पर एसटीएफ ने ढेर किया? ब्रजभूषण शरण सिंह अकेले चलकर दिखाओ, क्या कहते हैं राजा भैया अकेले चलकर दिखाओ, योगी आदित्यनाथ अकेले चलकर दिखाओ। मैं अगर कहूं भगवा आतंकवाद तो आप हंगामा करो। माँ ने दूध पिलाया, उत्तर प्रदेश के सभी मंत्रियों से कहता हूँ और योगी जी से कहता हूँ, मैं आपका बिल्कुल भक्त हो जाऊंगा, आप ही को वोट दूंगा, आप ही के लिए चुनाव प्रचार करूंगा, आप ही के लिए लड़ूंगा और चिल्लाऊंगा, हटाओ सिक्योरिटी। अगर माँ ने दूध पिलाया तो मैं चैलेंज करता हूँ। तो जब गुंडा है ही नहीं उत्तर प्रदेश में तो मंत्री की सुरक्षा क्यों बढ़ा रहे? इसका मतलब उत्तर प्रदेश में गुंडे हैं, लेकिन वो गुंडा वाई कैटेगरी का है, यानी वाई मीन्स योगी जी का आदमी। जय उत्तर प्रदेश आओ, जय श्री राम का नारा लगाओ, किसी की भी जान ले जाओ। वक्त कहते हैं कि मोदी जी ने सबको मिट्टी में मिला दिया, तो ये तीन कहां से आए? कि इन तीनों आतंकवादियों को भी पुलिस अपनी गाड़ी से लाई थी। सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और तमाम इनके मंत्रियों से सुरक्षा वापस ली जानी चाहिए। दो सगे भाइयों की हत्या दो पोलिटिकल भाइयों ने मिलकर किया है, बड़ा भाई योगी आदित्यनाथ जी और छोटा भाई केशव प्रसाद मौर्या जी। दोनों का बैकग्राउंड पोलिटिकल, दोनों भाई हैं, दोनों का बैकग्राउंड खुद जो है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड है। एक दो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक दो नहीं, कई मुकदमे हैं जो संगीन हैं, आपराधिक हैं, हत्या और लूट और खसोट और फिरौती और यहाँ तक के बलात्कारियों को संरक्षण देने, बचाने, छुड़ाने इत्यादि इत्यादि। तो जब क्रिमिनल सत्ता पर खुद रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो दूसरों को क्रिमिनल कैसे बनने देंगे, उनके ही लोग उनके ही चेले बनेंगे। बाबा ने मिट्टी में मिला दिया जब कहा था और मिला दूंगा जब कहा था, तो ये भी कहा था कि अब उत्तर प्रदेश में कोई माफिया और कोई गुंडा नहीं है, गुंडा तो सब उत्तर प्रदेश से जा चुका। तो सवाल योगी आदित्यनाथ जी, जब सारे गुंडे उत्तर प्रदेश से चले ही गए थे, सिर्फ एक अतीक था जिसके पूरे खानदान को आपने मिट्टी में मिला ही दिया, तो अतीक और अशरफ पर जो हमला करने वाला ये गुंडा कहां से आया? तीनों उत्तर प्रदेश का है, इसका मतलब उत्तर प्रदेश में गुंडे हैं, लेकिन वो गुंडा वाई कैटेगरी का है, यानी वाई मीन्स योगी जी का आदमी है। बाकी लोग गुंडे वही होंगे जो जय श्री राम का नारा लगाएंगे। विवादित बयान में दे रहा हूं, विवादित बयान है ये, यानी दूसरा कोई गुंडा नहीं बन सकता। गुंडा बनने के लिए शर्त है कि भगवा गमछा आपके पास हो और जय श्री राम का नारा लगाए, जय उत्तर प्रदेश आओ, जय श्री राम का नारा लगाओ, किसी की भी जान ले जाओ। ये अनुमति अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के द्वारा दे दिया गया। तो ये जो वाई कैटेगरी के जितने गुंडे हैं वो हर जगह हैं। आपने रमजान में देखा मुरादाबाद में घर के अंदर लोग नमाज पढ़ रहे थे, यही वाई कैटेगरी वाले गए थे ना गुंडा, जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, भगवा गमछा पहने हुए थे, पुलिस ने क्या किया? अच्छा, वाई कैटेगरी के जितने भी गुंडे हैं उनको योगी आदित्यनाथ जी ने कह रखा है कि वो आम करे, इमली करे, उल्टा करे, सीधा करे, तुम्हें उसका बचाव करना है और उसके खिलाफ जो कंप्लेंट दे उसको फंसा देना। तो उत्तर प्रदेश में 7 ऐसी घटनाएं घटी। अभी गोलावटी में एक घटना घटी, मारा पीटा बिरयानी बेचने वालों को, और जब कंप्लेंट किया गया तो उसी को बंद कर दिया गया और उससे पैसे लिए गए तब छोड़ा गया। जो जो उसकी सिफारिश में गया उसको गाली से, SHO बात कर रहा हूं, SHO योगी जी के सौजातीय है वहां गुलाबटी। आगे बढ़िए आप, मुरादाबाद में आपने देख ही लिया, अभी 3-4 ऐसी घटनाएं घटी जहां वो कह रहा है कि तुम यहां नहीं नमाज पढ़ोगे वहां पढ़ोगे, नई परंपरा यहां नहीं चालू करोगे वहां करोगे। ये सारी चीजें तो ये बताती है कि संविधान का राज नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से वाई कैटेगरी के जो गुंडे हैं उत्तर प्रदेश में उनका राज है। तो गुंडा खत्म कहां पर हुआ? और ये अंधवक्त कहते हैं कि मोदी जी ने सबको मिट्टी में मिला दिया, तो ये तीन कहां से आए चुनिंदा? ये तीन कौन थे, कहां से आए? बंगाल से आए थे क्या? एक बात। दूसरी बात, मुसलमान थोड़ा सा अगर जुर्म करता है और अगर पकड़ा गया, एक तीन आतंकवादी पकड़े गए और वो पाकिस्तान से इनके संपर्क थे, अमेरिका से थे, ISI से थे फलां, और ये तीन आतंकवादी जो अभी जिसने हत्या की है, एक भी मीडिया की खबर बताओ कोई आतंकवादी बोल रहा? बोला तीन हत्यारे। अच्छा, ये हत्यारे मासूम है और मुसलमान हो तो वो आतंकवादी? ये शब्द कहां से शुरू हुआ? मैं अगर कहूं भगवा आतंकवाद तो आप हंगामा करो, आप हमारे लोगों को छोटे से जुर्म में भी आतंकवादी कह दो, तो आपको अधिकार और हमको अधिकार नहीं। कमजोरी किसकी है सर? ये कमजोरी हमारे लीडरशिप की है और किसी की नहीं है। हमारा जो नेतृत्व है, जो परंपरागत नेतृत्व है, जो ट्रेडिशनल लीडरशिप हमारा है, वो शुरू से यही पंगु बना रहा। अभी भी देखिएगा,
सन्नाटा छाया हुआ है एक ओवैसी साहब के अलावा, आप नाम बताओ कि कोई आप इसको मर्डर देख रहे हैं या एनकाउंटर देख रहे हैं? मर्डर मर्डर सिर्फ इसको नहीं, ये तो मर्डर कैमरे के सामने हुआ है। ये मर्डर तो पुलिस ने कैमरे के सामने करवाया था, बगैर कैमरे के दो मर्डर पहले हो रहा जो झांसी में हुआ, मैं उसको भी मर्डर कह रहा हूँ, वो इनकाउंटर नहीं है साहब। उसको उसको हमने प्रूफ किया कई जगह से, वो टोपी और वो पिस्तौल हाथ में, वो सारी चीजें। मेरा सवाल ये है कि आप एसटीएफ जो है बड़ा एक्सपर्ट पुलिस होता है, जो पुलिस में से छांटे जाते हैं अच्छे अच्छे लोग, उसको एसटीएफ में रखे जाते हैं, स्पेशल टास्क फोर्स नाम ही है इसका। तो ये तीन गुंडे, तीन आतंकवादी 5 मिनट तक आतंक मचाते रहे और आपने उसमें से एक को भी गोली नहीं मारी, किसका ऑर्डर था गोली नहीं चलाने का? यह सवाल पैदा होता, क्यों नहीं इन तीनों आतंकवादी को मौके पर एसटीएफ ने ढेर किया? यह सवाल पूछना पड़ेगा। और भारत के मुस्लिम लीडरशिप अगर इस पर चुप है तो मैं समझता हूं आने वाला कल इससे भी भयानक होने वाला है। इसलिए यह सवाल पूछा जाएगा, एसटीएफ ने उन तीनों को गोली क्यों नहीं मारी? यह सवाल है। पर मुस्लिम लीडर शांति के अभी और सुनिए, उन तीनों आतंकवादियों ने जो गोली चलाई तो सिर्फ अतीक और अशरफ को ही गोली क्यों लगी? किसी एसटीएफ के जवान के हाथ में, पांव में, उंगली में, वर्दी में, गाड़ी में कहीं गोली क्यों नहीं लगी? जान वो डर गए थे, थोड़ा साइड हो गए, साइड नहीं हो गए तो वो लाए थे इस गाड़ी से, ये तीनों आए, वहां लोकल वीडियो वायरल हो रहा, आप लोगों ने भी देखा होगा, और वो बड़े चैनल वाले जो मैंने सरकार भक्त चैनल है उसका वीडियो है जिसमें कहा जा रहा है कि इन तीनों आतंकवादियों को भी पुलिस अपनी गाड़ी से लाई थी, और मीडिया का प्रेस का कार्ड लगा हुआ था। सरकार जांच नहीं करेगी वो प्रेस कार्ड किसका था? हम तबलीगी जमात के जमा कोरोना में हम घूम रहे थे तो मेरे प्रेस का भी जांच कर लिया गया कार्ड का, मेरे कर्फ्यू पास का भी जांच कर लिया गया, और इन आतंकवादियों के प्रेस कार्ड का जांच नहीं होगा? किसने इश्यू किया? इश्यूइंग अथॉरिटी क्या थी? तब तो खुलेंगे ना राज। अब कहा जा रहा है ये तीनों पागल और दीवाने हैं। एक पागल दीवाना जो गोरखनाथ पर हमला किया था उसको तो फांसी की सजा हो गई ना, आप लोग को पता है कि नहीं? जो वाकई पागल था, जिसके पास सर्टिफिकेट, मतलब जांच भी हुआ और वो हमला करवाया गया था मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, सर फिरा मुसलमान, पागल मुसलमान को पकड़ के ले आते हैं लोग। और ये तीन जो पागल आतंकी हैं, इन तीनों को आप देखेंगे, इनको खूब बेहतरीन से खातिरदारी इनकी होगी और तीनों को जेल नहीं भेजा जाएगा। ये मैं बोल रहा हूँ कैमरे पर, कुछ नहीं होगा, तीनों घर जाएंगे अपने। अच्छा? घर जाएंगे। ओवैसी पर हमला करने वाले कहाँ हैं? फांसी हुई, उत्तर प्रदेश के वीआईपी हो गए जी, ये आगे चल के नाम बदल के इनका आई कार्ड बदले। ट्विटर पे तो बोल ही रहे ना कि इंसाफ मिलेगा मुसलमानों को। हाँ, तो ट्विटर पे तो इंसाफ मिल भी गया सबको। क्या लगता है ये भी आगे चल के बाहुबली और बड़े नेता बनेंगे क्या? ये यही हो ही रहा ना, ब्रिजभूषण सिंह बाहुबली है कि नहीं है? आप बताओ कि वो सांसद है लोकसभा में, वो खेल कुश्ती संघ, जो महिला कुश्ती संघ का अध्यक्ष भी था ना, कितने मुकदमे है ऑन रिकॉर्ड मीडिया पर बोल रहा है एक चैनल, बड़े चैनल पर, कि हमने अपने हाथों से केवल एक मर्डर किया और बाकी तो हमारे चेलों ने किया। अरे साहब, वो सांसद जो कह रहा हो कि हमने अपने हाथों से एक मर्डर किया, और वो लोकसभा का सदस्य जो अकबाले जुर्म बम ब्लास्ट में करती है महोदिया, गांधी जी को गाली बकती है जो महोदिया, वो संसद में, और भारत में सन्नाटा। कहां है अंबेडकरवादी, कहां है संविधानवादी, कहां है लोकतंत्र पे आस्था रखने वाले लोग, कहां है ये लोग जो अब बाबा साहब के जय जयकारा लगाते हैं, और कहां है वो सेकुलरिज्म के झंडा ढोने वाले लोग? क्या आपके रहते हुए देश में इस तरह का मजाक बढ़ता रहेगा? आज एक आतंकवादी लोकसभा में पहुंचा, कल दो आतंकवादी पहुंचेगा, पता चलेगा 540 में से 540 वही हो जाएंगे, तो आपका संविधान रह जाएगा, लोकतंत्र रह जाएगा। डेमोक्रेसी खत्म करने, कुचलने का ये पूरा प्लान है। मनुस्मृति, एक फोटो वायरल हुआ, आपको दूंगा अभी, योगी आदित्यनाथ जी मनुस्मृति लेकर बैठे हुए हैं मीटिंग में। इसका मतलब है कि मनुस्मृति पढ़ा जा रहा है, कौन कौन सा पाठ लागू किया जाएगा। हाई लेवल मीटिंग हो रही है, आप ऐसे अपना फैलाइए, हाई लेवल की मीटिंग, हाई लेवल मीटिंग में, अच्छा याद दिलाया आपने, हाई लेवल मीटिंग में ये तय हुआ कि तमाम मंत्रियों की सुरक्षा को बढ़ा दिया जाए। बढ़ा दिया था, जब गुंडा है ही नहीं उत्तर प्रदेश में तो मंत्री की सुरक्षा क्यों बढ़ा रहे? तमाम भाजपा नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी जाए, तमाम उनके जिला अध्यक्षों की सुरक्षा बढ़ा दी जाए, उनके सांसद विधायकों की सुरक्षा बढ़ा दी जाए, उनके आरएसएस बजरंग दल और विश्व हिंदू
परिषद के नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी जाए। अरे भैया जब गुंडा है ही नहीं तो सुरक्षा किस चीज की, हटाओ सुरक्षा। अगर माँ ने दूध पिलाया, उत्तर प्रदेश के सभी मंत्रियों से कहता हूँ और योगी जी से कहता हूँ, मैं आपका बिल्कुल भक्त हो जाऊंगा, आप ही को वोट दूंगा, आप ही के लिए चुनाव प्रचार करूंगा, आप ही के लिए लड़ूंगा और चिल्लाऊंगा, हटाओ सिक्योरिटी। अगर माँ ने दूध पिलाया तो मैं चैलेंज करता हूँ। जब गुंडा मुक्त हो चुका उत्तर प्रदेश, माफिया मुक्त हो चुका उत्तर प्रदेश, जब उत्तर प्रदेश में कोई है ही नहीं एक भी गुंडा, तो सिक्योरिटी क्यों बढ़ा रहे हो, क्यों सुरक्षा लेकर चल रहे हो? ब्रजभूषण शरण सिंह अकेले चलकर दिखाओ, क्या कहते हैं राजा भैया अकेले चलकर दिखाओ, योगी आदित्यनाथ अकेले चलकर दिखाओ, और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जो बहुजनों के सबसे बड़े दुश्मन है इस वक्त बने हुए, जो मनुवाद के माने प्रवक्ता बने हुए हैं, मैं कहता हूं अगर आप में हिम्मत है तो बगैर सुरक्षा के चल के दिखाइए ना। आम इंसानों की सुरक्षा तो आप कर नहीं सकते, और अपनी सुरक्षा वाई जेड, जेड के बाद जेड प्लस, और प्लस के बाद जेड डबल प्लस, फिर जेड ट्रिपल प्लस, यही होता रहेगा इस देश में। सारे टैक्स का पैसा सुरक्षा में लगा हुआ अपनी, और गुंडाओं को पालने में लगा हुए, बिल्कुल अराजकता है। इस सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, और तमाम इनके मंत्रियों से सुरक्षा वापस ली जानी चाहिए। उनको सुरक्षा मिल गया ना, उनको सुरक्षा मिल गया है। आपको पता है जितने छोटे मोटे संत साधु मार्केट में घूम रहे हैं, जो आतंक फैला रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ भाषण कर रहे हैं, सबको सुरक्षा दे दी गई है। 6, 8, 10 पुलिस वाले जो टीवी पर देखते हैं, बाबा लोग आते हैं, उन सबको 2, 4, 6 सुरक्षा कर्मी मिले हुए हैं। इनको तो बल्ले बल्ले है, चंदा भी आ रहा है, सुरक्षा भी मिल गया, यही तो है हिंदू राष्ट्र। आसमानी फैसला ही है कह रहे हैं। नहीं नहीं, फैसला तो वो सही बोला, आसमानी है, लेकिन आसमानी फैसले से सबको डरना भी चाहिए। फैसला आखिरी नहीं है, आखिरी नहीं है, ठीक है, फैसले रोज होते हैं आसमान पर, फिर फैसले होंगे आसमान पर, डरना चाहिए। सत्ता में हो तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी को कुचल डालोगे, सत्ता अस्थाई किसी का नहीं है। बड़े बड़े सिकंदर से लेके कलंदर तक चले गए, आप किस खेत की मूली है साहब? इस भारत में कितनी सरकारें आई और गईं, आप भी जाएंगे, लेकिन जाते जाते आप ये कलंक लेकर जाएंगे, शायद ये आपने मन बनाया। आखिरी सवाल, जहां भी जो भी नाम आता है, बजरंग दल का ही नाम आता है, आपने देखा होगा अभी अतिक्रम मदर हुआ, तीनों बजरंग दल से थे, फिर क्या जब अभी हरियाणा में मोनू मनेसर वो बजरंग दल से, नहीं बंद कैसे करेंगे, ये उसी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए तो हिंदू राष्ट्र लागू करेंगे। अब समझना सोचना तो अम्बेडकर वादियों को, संविधान वादियों को है ना, उनके लिए ना चिंता का विषय है, लेकिन वो भी अम्बेडकर जयंती बाबा साहब की मनवा ली 132वीं कल, फिर घर में जाके सब सो गए, तो सो गए अगर बहुजनों तो सुला दिए जाओगे।